ठीक है तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा ओके सो इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे देखो बच्चों हमें जो हार्मोनिक हार्मोनिकटर है उसमें हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होता है ओके तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम स्क्वायर ओके और ये होता है यहाँ पे हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस ऑफ स्क्वायर के इक्वल ठीक है इसको बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और बच्चों यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है ये होती है हमारी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हो गया बच्चों यहाँ पे हमारा सेकंड इक्वेशन ओके और यहाँ पे बच्चों जैसे कि हमें पता है टोटल एनर्जी होता है टोटल एनर्जी की वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ओके सो नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल है तो यहाँ पे देखो इक्वेट कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस और ये कितना हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर ठीक है बच्चों तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर पे हमारा कैंसिल आउट हो जाता है और ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है स्क्वायर ठीक है तो बच्चों यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना टू वाई स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा तो यहां से बच्चों अपना जो वाई है वो कितना आ जाएगा वाई इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से हमारा ए बाई रूट टू ठीक है Y की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी आ रही है ए वाई रूट टू तो यहाँ पे देखो बच्चों जो अपना डिस्प्लेसमेंट होगा ठीक है यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वन अपोन रूट टू टाइम होगा किसके एम्प्लीटूड के ठीक है टाइम्स होगा किसका एम्प्लीट्यूड का ठीक है तो बच्चों यहाँ पे ओके तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि एक जब हमारा पार्टिकल क्या होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा ओके जो ऑक्सीडेट कर रहा होगा तो वहां पे एक ऐसी पोजीशन होगी बिटवीन द मैक्सिमम ओके जहां पे हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा और मेन पोजिशन होगी uh, जहां पे हमारा पोटेंशियल uh, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होंगे ठीक है ठीक है इस वाले पॉइंट पे तो जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा ओके okay, तो इस साइकिल पे जो पार्टिकल होगा अपना ठीक है इन इस साइकिल जब एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर लेगा यहाँ पे तो वो इस पॉइंट को कितनी बार क्रॉस करेगा एटलीस्ट फोर टाइम यहां पे हमारा uh, इसको क्रॉस करेगा ठीक है इस पॉइंट को जहां पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी का तो पार्टिकल जो है वो इसको क्रॉस करेगा इस पॉइंट को जहां पे हमारे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है वो कितनी बार uh, एक कंप्लीट ऑक्सिलेशन में कितनी बार इसको क्रॉस करेगा फोर टाइम्स बार ठीक है तो फोर टाइम ड्यूरिंग द डूरिंग साइकिल ओके तो यहां से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों During the time during the e -cycle. So, लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करिए डाउट नेटा या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर